डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेनरी वीदा है और मैं यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक बैंक में काम करता हूँ और मेरी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका मैं फ़ायदा भी उठाता हूँ। मैं अभी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। सबसे पहले तो मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं दुनिया के हर हिस्से को एक बार देखना ज़रूर चाहता हूँ। जहाँ पर भी मिले मैं नॉवल पढ़ना पसंद करता हूँ। देश और दुनिया की जानकारी रखना पसंद करता हूँ। मैं ऐसी किताबें ढूंढता रहता हूँ जिसमें दुनिया के अलग अलग शहरों की जानकारी दी हो। अगर कोई शहर मेरे मन को भा जाए तो मैं वहाँ पर जाना बहुत पसंद करता हूँ। कई देश मैं घूम चुका हूँ और कई देशों में जाने की अब भी मेरी अभिलाषा है। स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर तो मैं दो बार जा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे हर बार वहाँ मैं जाता हूँ मुझे नया सा नज़र आता है। उसके बारे में मैं बहुत सारी किताबें ढूंढता रहता हूँ, नई जानकारी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरा स्वभाव ठंडा है, मुझे नई इमारतें देखने से ज़्यादा पसंद है पुरानी इमारतें देखना। उसे देखकर आपको एहसास होता है जैसे आप भी इतिहास में चले गए हों। मैं आज भी मानता हूँ इतिहास में जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें सब कुछ नहीं बताया। उस समय ऐसी शक्तियाँ धरती पर मौजूद थीं जो छिपकर रहती थीं, हमारा फायदा भी करती थी, हमारा नुकसान भी करती थी। लेकिन किस लिए उन शक्तियों को गुप्त रखा गया और अब वैसी शक्तियाँ नज़र क्यों नहीं आती? कई लोग कहते हैं वैसी शक्तियाँ मौजूद नहीं थीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन मैं यकीन करता हूँ शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। किसी शहर के बारे में जानना हो और पुरानी इमारतों के बारे में जानना हो तो कोई म्यूज़ियम सबसे अच्छा होता है। म्यूज़ियम में कई बार आपको लाइब्रेरी भी मिल जाती है। उस लाइब्रेरी में ऐसी किताबें होती हैं जो पिछले 100 सालों से वहीं पर पड़ी हों, और वहाँ पर किसी शहर की जानकारी मिल ही जाती है जो आजकल इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में वहाँ कुछ अलग हुआ करता था। मैं अपने शहर की लाइब्रेरी में कई बार पुरानी किताबें ढूंढ ही लेता हूँ और म्यूज़ियम की लाइब्रेरी में मुझे मेरी पसंद की किताबें मिल ही जाती हैं। मैं इन दोनों जगहों पर ज़्यादातर गया ही रहता हूँ। हमारे म्यूज़ियम की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और कई बार एक किताब को निकालने के बाद उसके पीछे आपको एक और पुरानी किताब मिल जाती है जिसका इतिहास उस किताब से जुड़ा हुआ होता है। इस बार मैं अपनी इस लाइब्रेरी के पिछले हिस्से को खंगाल रहा था। इसमें स्विट्ज़रलैंड की जितनी भी जगह थी उनकी किताबें मैं ढूंढ रहा था। इतिहास में वहाँ पर क्या क्या हुआ, मैं स्विट्ज़रलैंड के और अलग शहरों में जाना चाहता था। और अचानक एक किताब को जब मैंने हटाया उसके पीछे कटी फटी सी एक पुरानी किताब मेरे हाथ लगी। उसमें स्विट्ज़रलैंड के एक शहर रेटा के बारे में बताया गया था। मैं गूगल पर रेटा को ढूंढता रह गया लेकिन उस शहर को ढूंढ ही नहीं पाया। कहाँ मौजूद है जिसकी जानकारी इतिहास में दी गई थी? क्या उस शहर का नाम बदल दिया गया है या वो जैसे इतिहास से गायब ही हो गया है? गूगल में मैं ढूंढता रह गया, कोई जानकारी नहीं मिली। हर किसी को पूछता रह गया, कोई जानकारी नहीं मिली। अंत में उस किताब को खोलकर पढ़ना ही समझदारी समझा। मैं जैसे ही उस किताब को खोल पाया पहले पन्ने पर एक पुरानी सी तस्वीर लगी हुई थी। कभी तो वो तस्वीर लगती तो कभी पेंटिंग लगती। मैं उसे जूम करके भी देख नहीं सकता था जैसा हम अपने मोबाइल में देख लेते हैं, लेकिन उसके पास जाकर ऐसा लग रहा था पेंटिंग की तरह बनाई हुई ये तस्वीर है जो पुरानी चर्च की थी। उस चर्च की बनावट इतनी सुंदर थी कि मैं मोहित हो चुका था। इसे तो देखना ही होगा, इसके साथ मैं एक तस्वीर खिंचाना चाहूँगा। आसपास और भी कुछ देखने वाली चीज़ें हों। रेटा की जानकारी उस किताब में बहुत ज़्यादा दी गई थी। वहाँ बहुत सारी चर्च, एक पुराना कब्रिस्तान जिसकी बनावट अलग है, एक बड़ा सा हॉल जो 100 साल पहले मौजूद था और वर्ल्ड वॉर के समय भी वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग हुआ था।
किसी जमाने में वहां पर शक्तियों का प्रसार होता था और जादूगर वहां अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जाया करते थे। लेकिन ये 100 साल पुरानी किताब के सहारे मैं उस शहर को कैसे ढूंढ पाता? आखिर रेटा वहां मौजूद है ही नहीं। उसके बाद उस लाइब्रेरी के मालिक ने मुझे बताया कि रेटा ये नाम सुना हुआ लगता है, ऑस्टोरेटा की बात तो नहीं कर रहे? ऑस्टोरेटा, वो भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। मैंने ऑस्टोरेटा की सर्च मारी और ऑस्टोरेटा शहर मिल ही गया। बहुत छोटा सा शहर था, लेकिन किसी जमाने में वो शहर बड़ा हुआ करता था। उसका इतिहास जानने की कोशिश की तो इतिहास 100 साल पुराना था, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। पुराना सा शहर जहाँ पर बहुत सारे खंडहर थे। गूगल में डाली हुई उन तस्वीरों से मैं पहचान गया था, ये वही रेटा शहर है। लेकिन इसे ऑस्टोरेटा क्यों कहा जाता है और क्या अब वहाँ पर लोग रह रहे होंगे? वैसे भी शहरों से ज़्यादा मुझे गांव पसंद है और गाँव से भी ज़्यादा खंडहर पसंद है। खंडहर के आसपास टूटा हुआ कोई घर मिल जाए, खंडहरों में मैं महीनों के लिए घूम सकता हूँ। और इसीलिए इस बार मैं स्विट्जरलैंड जा रहा था। 10 दिनों के इस ट्रिप में 4 से 5 दिन मैं वहीं पर बिताने वाला था। जैसे ही छुट्टियों का टाइम आया, मैंने उस जगह को पहले ही फाइनल कर लिया था और सीधा मैं यूएसए से पहुंचा स्विट्जरलैंड। सफ़र काफ़ी लंबा था और मैं थका हुआ था। एयरपोर्ट के पास ही मैंने एक होटल ले लिया था। ये रात मैं वहीं पर बिताने वाला था, उसके बाद सीधा जाऊँगा ऑस्टोरेटा के लिए। एक टैक्सी कर लूँगा और आसानी से वहाँ पहुँच जाऊँगा। जैसे ही अगला दिन हुआ, मैंने टैक्सी बुक कर रखी थी, लेकिन पैसे काफ़ी ज़्यादा थे। क्या वो इतना दूर है? तो उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि है तो बहुत दूर, लेकिन किराया ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ खतरा माना जाता है। ये पुराना शहर है जिसका नाम है ऑस्टोरेटा। ये 2 शहरों के मिलन से बना है, ऑस्टो और रीटा। रीटा यानी कि पुराना शहर, ऑस्टो यानी कि नया बसा हुआ शहर। आजकल लोगों को ये जानकारी नहीं है कि किसी ज़माने में वहाँ पर जादूगर रहा करते थे। जादूगर और ऐसी परियाँ जिनके पास असीम शक्ति हुआ करती थी। जादूगरों ने उन परियों से युद्ध किया था और उनकी शक्ति को यहीं पर दबा कर रख दिया था। उन परियों ने ऐसे ऐसे शाप इस ज़मीन को दिए थे कि इस ज़मीन को बर्बादी को छूना पड़ा, और इसी के साथ उन परियों ने इसे अपना घर भी कहा था, इसलिए वरदान भी दिए थे। लेकिन ये तो कहानियां हैं। वो टैक्सी ड्राइवर मेरे साथ आगे जाता जा रहा था, कहानियां सुनाता जा रहा था। सफ़र बहुत लंबा था। लगभग 9 घंटे बाद मैं वहां पर पहुंचा था। ऑस्टोरेटा एक बड़ा सा शहर दिख रहा था, लेकिन मैं जिस रेटा शहर के बारे में जानना चाहता था, ये वो नहीं लग रहा था। मुझे वो खंडहर चाहिए, मुझे वो इतिहास जानना है। उन खंडहरों में मुझे तस्वीरें खिंचानी हैं। मुझे इस शहर में थोड़ा भटकना पड़ा। 2 घंटे तक मैं इस शहर में घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई पुरानी इमारत नज़र नहीं आई। मैं रीटा जाना चाहता था, कोई जानता ही नहीं था। ऑस्टोरेटा 2 शहर हैं, किसी को जैसे पता ही नहीं था। उसके बाद मैंने कहा, मुझे पुराने खंडहर देखने हैं, पुराने खंडहरों में जाना चाहता हूँ। तो मुझे बताया कि इस शहर के बाहरी हिस्से में ऐसे पुराने खंडहर हैं, वहाँ पर पुराने ज़माने की चर्च हैं, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं और जो लोग रहते हैं वहाँ किसी नए आदमी को आने नहीं देते। मुझे ये पता चल गया था, ये है रेटा जिसके बारे में इस शहर के और लोग भी नहीं जानते, और ये शहर का बाहरी हिस्सा होगा। चलो वहाँ पर चलते हैं। मैंने वहाँ पर एक टैक्सी करवाई और रीटा की तरफ निकल पड़ा, जिसे ऑस्टोरेटा का बाहरी हिस्सा यहाँ के लोग कह रहे थे। मैं इतनी दूर से आया था और इसकी इतनी जानकारी जानता था जो इसे शहर में रहने वाले भी नहीं जानते थे। टैक्सी से मैं बाहर देख रहा था। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच से निकलते हुए मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं रीटा को ढूंढ पाऊंगा। लेकिन जैसे ही हम शहर के बाहर निकले, वहाँ बड़े बड़े पेड़ नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था हम शहर से बहुत दूर जा रहे हैं। उन पेड़ों को चीरते हुए वो सड़क कहाँ ले जा रही थी मैं नहीं जानता था, लेकिन कुछ पेड़ों की बनी हुई उन वादियों से आगे मुझे पुराने खंडहर दिखने शुरू हो गए। सड़क के दोनों तरफ पुराने ज़माने के खंभे जो पत्थर से बने हुए थे और टूट कर गिरे हुए थे वो दिखना शुरू हो गए। पुरानी लालटेन जो उन दीवारों पर टांगी हुई थी वो दिख रही थी। बड़े बड़े पत्थरों के घर जो ऊपर से टूटे हुए थे, वहाँ कोई रहता नहीं लग रहा था। जैसे जैसे आगे जाते गए, पुराने खंडहर भी नजर आते गए और नए बने कुछ घर भी दिख रहे थे।
वहां ऐसा लग रहा था खंडहरों के बीच ही लोगों ने अपने घर बना रखे हों। उन घरों से आगे निकलते ही बड़ी बड़ी चर्च दिखना शुरू हो गई, जिनके ऊपरी किनारे जैसे टूटकर गिरे हुए थे। वो सड़क के एक तरफ गिरे हुए थे और उन्हें किसी ने हटाया तक नहीं था। उन पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी, फिर भी जैसे बहुत समय से वहाँ पड़े होने के बाद भी किसी ने हटाया ही ना हो। हमारी टैक्सी भी एक बड़े पत्थर से घूम कर निकली थी। इतने सालों से पत्थर पड़े हैं, लोग हटा क्यों नहीं रहे, मैं जानना चाहता था। लेकिन मेरा ध्यान तो उन चर्चों पर था, उन पुराने खंडहरों पर था। कई किले जैसी इमारतें थीं, लेकिन किले तो बहुत बड़े होते हैं। ये छोटे छोटे किले बने हुए थे जो घरों के आकार की तरह हैं, जैसे हमें देखने के लिए बनाए गए थे। उसके बाद एक पार्क भी आई थी। उस पार्क के अंदर छोटे छोटे पहाड़ नुमा आकार बनाए गए थे, जिनके ऊपर बड़े बड़े पौधे लगाए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दूर वो पर्वत बने हों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों से आसानी से वो बनाए जा सकते हैं। उसके बाद घर आए जो नई तकनीक से बने हुए लग रहे थे। ऐसा लगा मुझे कि जैसे मैं दोबारा शहर में आ गया हूँ। मैंने टैक्सी वाले से कह दिया, ऑस्टरिटा के शहरी इलाके में नहीं जाना है, वहीं पुराने वाले इलाके में जाना है। तुम लगता है दोबारा घूमकर ऑस्टरिटा के अंदर ले जा रहे हो। तो उस टैक्सी वाले ने कहा, नहीं, ये बाहरी इलाका है, ये उस शहर का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर कम लोग ही आते हैं। आगे बड़ी सी नदी है, इसी कारण इसके आगे सड़क नहीं बनी और यहाँ पर रहने वाले लोग ही यहाँ तक आते हैं। मैं भी टैक्सी में आपको यहीं छोड़ सकता हूँ, आपको कहाँ जाना है वो आपको पता होगा। वो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता था, जैसे थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था। वो टैक्सी वाला जा चुका था, अब मुझे यहाँ के लोगों से बात करनी थी। मैं उस टूटी हुई चर्च के पास जाने लगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ दिख रही थी। बाकी जगहों पर ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ एक नज़र आ रहे थे जो ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं चलता हुआ उस तरफ चला गया। मेरे पास वो बड़ा सा बैग था जिसमें मेरे कपड़े थे। एक हैंडबैग मैंने अपने कंधे पर टांगा हुआ था और इसी तरह से बैग को घसीटता हुआ मैं आगे जा रहा था। उस चर्च के पास पहुंचकर एक आदमी से मैंने बात करना शुरू कर लिया। मैंने कहा, मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो भी हैरान हो गया था और आसपास खड़े लोग भी हैरान हो गए थे। तुम यहाँ घूमने क्यों आए हो? यहाँ कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, ये शहर का इलाका नहीं है। तुम ऑस्टरिटा घूमने आए हो तो ऑस्टरिटा में घूमो, इसे पूरी तरह से ऑस्टरिटा नहीं कहा जाता। मैं भी हैरानी से कहने लगा था, हाँ मैं जानता हूँ, इसे रीटा कहा जाता है। मैंने ये नाम बोला था, वहाँ सब चुप हो गए। पहले एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन एकदम चुप और मेरे करीब आने लगे। मैं कुछ पल के लिए डरने लगा था। मैं जानता हूँ इस शहर को रेटा कहा जाता है, मैं इस किताब में पढ़ चुका हूँ। मेरी ये जानकारी सुनकर सब हैरान थे। अच्छा, तुम इस शहर के असली नाम को जानते हो? शहर में रहने वाला कोई भी इस नाम को नहीं जानता, इस जानकारी को गुप्त रखा जाता है, लेकिन तुमने ढूंढ लिया, लगता है तुम असली तौर पर यहाँ घूमने आए हो। अब सब मुझसे बात करना चाहते थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। बातों बातों में उन्होंने बताया कि बाकी जगह से कोई भी यहाँ पर आता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, ताकि वो दोबारा यहाँ ना आ पाए। यहाँ से हर किसी को दूर रखा जाता है, इसीलिए यहाँ के लोग जानबूझकर लड़ाके बनकर रहते हैं। वो हर किसी से लड़ते रहते हैं, बेइज्जती करते रहते हैं, इसलिए इस इलाके को घटिया इलाका कहा जाता है। लेकिन असली शहर तो रेटा ही है, जो प्राचीन समय से ही यहाँ पर बना हुआ है। लगभग 400 सालों से रेटा शहर यहीं पर मौजूद था। और तुमने उन कहानियों को सुना है? मैंने कहा, कौन सी कहानियाँ? जब मैंने ये कहा कौन सी कहानियाँ, वो फिर से शक की निगाह से मेरी तरफ देखने लगे थे। मैंने भी कंप कपाती हुई आवाज़ में कहा, हाँ हाँ, वो परियों की कहानियाँ। जब मैंने ये कहा, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैं जानता था वो क्या कर रहे थे। उन्हें भी मुझ पर शक था, किसी बाहरी इंसान को यहाँ पर आने नहीं दिया जाता था, और मुझे अपनी सच्चाई उन्हें नहीं बतानी है कि मुझे तो गलती से वो किताब मिली है। लेकिन उस किताब में लगभग सारी जानकारी दी गई थी जो यहाँ पर रहने वाले को होती है। मुझे वो पूरी जानकारी थी, इसलिए मैं भी यहाँ पर रहने वालों की तरह ही बात किया जा रहा था। अब उनसे बातों बातों में मैंने ये भी कह दिया था कि यहाँ पर मैं कुछ दिन रहने के लिए आया हुआ हूँ, मुझे कमरा चाहिए, वो मुझे मिल नहीं पाया। मैं शहर में रहना नहीं चाहता, मैं रेटा में रहना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझे खास तौर पर तैयारी कर दिया।
मैं चाहता था कि मैं पुराने जमाने के घर में रहूं, लेकिन वो मुझे नया घर दे रहे थे और वो बहुत ही साफ सुथरा घर था। मैंने कहा, मुझे अगर पुराना घर मिल जाए तो अच्छा होगा, आप इस तरह से मेहनत ना करें, पुराना घर ही दे दें। उसके बाद उन्होंने नए घर में रहने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो मैंने भी हाँ कर दिया। वैसे भी वो उस रेटा शहर के बिल्कुल बीच का हिस्सा था, आसपास बहुत ज़्यादा खंडहर थे, हर घर दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था क्योंकि उनके बीच पुराने टूटे फूटे घर थे, यहाँ पर कोई नहीं रह रहा था। मैंने भी हाँ कर दिया था और दोपहर को वहाँ खाना खाने के बाद मैं बाहर घूमने के लिए निकला। धीरे धीरे घूमते हुए मैं ये भी देख पा रहा था कुछ खंडहर घरों के बीच में ही जैसे उन्होंने रेस्टोरेंट खोले हुए थे, बाहर से टूटा हुआ दरवाज़ा, बस बाहर रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ होता। जैसे ही उस टूटे हुए खंडहर के अंदर जाते, अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था। उसे देखने के बाद ऐसा लगता जैसे बहुत लजीज खाना मिलेगा, ऐसी सुगंध अंदर फैली हुई होती। खाना खाने में मज़ा बहुत आता, यहाँ पर ऐसे ऐसे लजीज खाने बनाए जा रहे थे जो देश और दुनिया से प्रभावित थे। भारत का खाना भी यहाँ मौजूद था और इटालियन खाना भी एक छोटे से रेस्टोरेंट में मिल रहा था। उस खाने को खाने के बाद मैं बाहर घूमने लगा और ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट मुझे कई जगह पर मिले। एक बड़ा सा खंडहर जिसके बाहर बड़ा सा दरवाज़ा लगा था, वो यहाँ पर कम्युनिटी हॉल था। इसी के साथ ऐसी और जगह भी दिखी, यानी कि पुराने ज़माने की टूटी हुई जगह को भी सही तरह से इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। घूमते घूमते बहुत मज़ा आया और अब रात के 8 बज गए थे। उन लोगों ने जैसे मेरी आवभगत बहुत अच्छी की थी और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने उनसे कह दिया था, जाते वक्त आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर ज़रूर जाऊंगा। अब आसपास तो घर था नहीं तो मैं अपने घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन 5-6 लोग घर के बाहर खड़े मुझसे बातें किए जा रहे थे जबकि मेरी आँखें बंद होने को थी। बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा, आज रात लाइट जाने वाली है ना 4 बजे। मैंने कहा, लाइट जाने वाली है तो आएगी कब? जब मैंने ये कहा कि आएगी कब, सब हैरान से हो गए थे। आएगी कब, ये कैसा सवाल कर रहे हो? इसके बाद मैं चुप सा हो गया। मुझे लगा इन्हें मुझ पर शक ना हो जाए, यहाँ पर कोड वर्ड में बातें ना की जाती हों जो मेरे समझ से बाहर हों, या लाइट आने के बारे में कुछ अलग सा भ्रम हो इनके मन में। अगर ये शहर जादूगरों का था तो इस तरह के भ्रम तो इनके मन में होंगे ही, अंधविश्वास इनके मन में होंगे ही। उन लोगों को विदा किया, उसके बाद मैं अपने घर के अंदर आ गया। मुझे अब भी थोड़ी सी भूख थी और सुबह नाश्ता भी मैं यहीं घर के अंदर ही करना चाहता था, तो मैंने सोचा बाहर से थोड़ी ब्रेड ले आता हूँ, अगर मुझे पिज़्ज़ा मिल जाए तो वो ले आता हूँ। चेक करता हूँ वो जो रेस्टोरेंट है अब भी खुले हुए हैं या नहीं। चलकर जाने में 15 मिनट लगे मुझे, उस पहले वाले रेस्टोरेंट में मैं पहुँच गया। पुराना खंडहर और ऊपर लाइट लगाई गई थी, इतना डरावना सा मंजर था वो। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, वो रेस्टोरेंट अब भी खुला हुआ था और अंदर लजीज लजीज खाना बन रहा था। कई लोग टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। यहाँ बाहर से जो माहौल डरावना लगता है, अंदर से बहुत ही सुंदर बनाया है उन्होंने। मुझे लगता है यहाँ चर्च भी चलती होंगी, बाहर से टूटी हुई हैं, अंदर से ये रहते होंगे यहाँ पर। इसके बाद मैं वहाँ थोड़ा खाना खाने के लिए ही बैठ गया। मैंने एक छोटा पिज़्ज़ा मंगवाया, इसी के साथ 2 पिज़्ज़ा पैक करने के लिए भी कह दिया। मैं गार्लिक ब्रेड भी खाना चाहता था और वो भी पैक करने के लिए कह दी। कल सुबह तो मैं यही चीज़ें खाऊंगा, जो खा पाया खा लूँगा, बाकी फेंक दूँगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा खाना खा पाया, बाकी पैक करवा कर अपने घर की तरफ जाना चाहता था और उससे पहले वहाँ जो शेफ़ था उसे $10 की टिप भी देना चाहता था। खाना सच में बहुत ही सुंदर बनाया है और मैं चाहूँगा ज़्यादा लोगों को बता पाऊँ और क्या कोड वर्ड है वो भी बता पाऊँ ताकि यहाँ पर ज़्यादा लोग आएँ। मैं उस शेफ़ के पास गया, उसे $10 दिए और उसके बाद मैंने उससे कहा, यहाँ और क्या क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा, यहाँ रात के वक्त घूमने में बहुत मज़ा आता है, बहुत डरावने डरावने एहसास होते हैं, लेकिन डरना नहीं, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आज 4 बजे लाइट जाने वाली है। और इसके बाद मेरे मुंह से निकल ही गया, हाँ लेकिन आएगी कब? जैसे ही मैंने ये कहा था, वहाँ पूरे रेस्टोरेंट में सब खाना खा रहे थे लेकिन एक पल के लिए चुप से हो गए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो यहाँ आमतौर पर सुना नहीं जाता। फिर से मैं डर गया था, कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया। लेकिन अचानक बात घुमाते हुए मैं कहने लगा, अरे मजाक कर रहा था,
चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे दूर से बाय करते करते उन्होंने कहा था, आज रात 4 बजे लाइट जाने वाली है, बहुत मजा आएगा। मैं भी मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ आगे बढ़ गया था, 4 बजे जाने वाली है लेकिन आएगी कब ये तो कोई बता ही नहीं रहा। इसके बाद मैं घर की तरफ निकल लिया था। आसपास से देखते हुए वो पुराने खंडहर बहुत ही डरावने से लग रहे थे। पेड़ों की कटाई भी ऐसी की गई थी जैसे डरावने से शैतान बनाए गए हों, उन्हें आकार दिया गया था, नीचे लाइट लगाई गई थी, कई टूटे फूटे से घरों के इस तरह से कॉर्नर पर लाइट्स लगाई गई थी कि वो खंडहर शैतानी लग रहे थे। अंदर से जैसे बार बार जलती बुझती लाइट्स भी डर का माहौल बना रही थी। कभी कभी तो मैं धीरे धीरे चलता और जैसे ही ऐसा खंडहर आता मैं तेजी से चलने लगता। मैं अपने कानों पर बार बार हाथ रख लेता, यहाँ पर कोई भूत ना नजर आ जाए, इतनी सुंदर जगह है, मैं दोबारा आना चाहता हूँ, बस कोई भूत नजर ना आ जाए, कोई बुरी घटना ना हो जाए। ये सोचते सोचते 15 मिनट घर तक पहुँचा था मैं। अंदर डर था लेकिन देखा कुछ नहीं था। डरावनी जगह अगर आपकी आंखों के सामने आती हो तो आपका दिमाग अपने आप डर को आपके अंदर पैदा करना शुरू कर देता है। भले ही भूत प्रेत मौजूद ना हो लेकिन आपकी आंखें उन्हें देखने लगती हैं, झूठ मूठ में ही सही। मैं घर के अंदर आ गया था और अब खाने के कारण मुझे नींद चढ़ना शुरू हो गई थी। अमूमन मैं 12 बजे सोता हूँ लेकिन आज 10 बजे ही आंखों में बहुत ज़्यादा नींद थी। इसके बाद मैं नॉवल पढ़ने लगता हूँ और आज फिर से मैंने एक नॉवल हाथ में पकड़ ली और उसे पढ़ने लगा। वो एक डिटेक्टिव की कहानी थी जिसे पढ़ते पढ़ते उसमें इंटरेस्ट जागने लगा और मैं जागता गया। 12 बजे तक उस नॉवल को मैंने आधा पढ़ लिया था और अब सोने का समय था। जल्दी सोऊंगा तभी कल जल्दी उठ पाऊंगा। तभी मेरे मन में ख्याल आया, 4 बजे लाइट जाएगी, यहाँ पर ठंड का माहौल है और हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लाइट जाने पर इतनी परेशानी भरी आवाज़ में लोग बातें क्यों कर रहे थे, चलो देख लेंगे अभी तो सोने का वक्त है। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन लगभग 4:15 बजे सायरन की आवाज़ें आने लगी थी। बार बार सायरन बजे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई आपदा आने वाली हो। मैं घर से बाहर निकला और चारों तरफ खंभों पर सायरन लगे हुए थे जो बजे जा रहे थे। मेरे घर के पास वाले खंभे पर ही नहीं, हर तरफ सायरन बज रहा था लेकिन कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा था। मैं डर गया, क्या यहाँ पर कोई तूफान भी आता है? हमारे वहाँ जब भी तूफान आता है इस तरह से सायरन बजाए जाते हैं, या टोर्नेडो आने पर भी सायरन बजाए जाते हैं ताकि लोग बेसमेंट में जाकर छिप जाएं, तूफान ऊपर से निकल जाएगा और सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी आवाज़ें क्यों आई जा रही हैं? और वैसे तो सब कह रहे थे 4 बजे लाइट जाने वाली है, कारण क्या है लाइट जाने का और आएगी कब, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। मैं घर के अंदर चला गया था, सायरन बजे जा रहे थे, इस सायरन की आवाज़ में सोया नहीं जा सकता था। धीरे धीरे समय बीता, 4 पर जैसे ही सुई आई, सायरन बंद, लाइट बंद, हर चीज़ बंद हो चुकी थी, लाइट चली गई। अब क्या, अब देखते हैं कब आती है, मुझे पता चल ही जाएगा, जो जवाब कोई दे नहीं रहा था मुझे खुद पता चल जाएगा। अब अंदर मैं लाइट जला नहीं सकता था, बाहर से रोशनी आ नहीं रही थी, मैंने मोबाइल की टॉर्च ही जला ली ताकि कमरे में थोड़ी सी लाइट हो जाए। अब भी कोई परेशानी नहीं थी, मैं सो सकता था, खुशी हुई सायरन बंद हो गए। लेकिन कब तक ये खुशी मनाता मैं? लगभग 5 मिनट बाद धमाकों की आवाज़ आने लगी, ऐसा लग रहा था बम के धमाकों की आवाज़ दूर से आ रही हो। पहले मैंने सोचा शायद बिजली गरज रही होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ नज़दीक आती गई और ऐसा लग रहा था जैसे उस धमाके के बाद और आवाज़ें भी गूंजने लगती, जैसे कुछ टूट भी रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज़ नज़दीक आती गई और आसपास से सामान बिखरने की आवाज़ें भी आती गई। मैं घर से बाहर निकल कर देख रहा था और मेरी आँखों के सामने जो नज़ारा था मैं बयां नहीं कर सकता था। मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा सा ड्रैगन देखा जो मुंह से आग के गोले छोड़ रहा था और यहाँ पर जितने भी खंडहर थे उन पर गोले फेंके जा रहे थे। उस ड्रैगन ने अलग अलग घरों पर भी वो बड़े बड़े गोले फेंकने शुरू कर दिए। मैंने घरों के बाहर निकलते हुए लोग देखे जिनकी हाथ में शील्ड थी, वो बड़े बड़े गोले जिस चीज़ पर भी टकराते उस पर जैसे आग की बारिश सी होती, ऊपर से जैसे बूंदे गिरने लगती, वो पानी की नहीं आग की बूंदे थी।
वो गोला भी बिखर सा जाता और वो शील्ड लेकर उन गोलों से बच रहे थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी और मैं बहुत डरा हुआ था। वहां सड़क पर भी गोले गिर रहे थे और तभी और आवाजें आने लगी। वहां दूर से आते हुए और ड्रैगन दिखने लगे और मैं बार बार आंखों को मल रहा था। मैंने ऐसा सब कहानियों में सुना है और टीवी में भी देखा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो सकता। इस शहर में ड्रैगन कहां से आते होंगे? अगर ड्रैगन हमारी धरती पर मौजूद हैं तो टीवी पर दिखाए तो जाते या खबरों में आ ही जाते, लेकिन ये उड़ते हुए कहीं दूर से आ रहे हैं। भागकर मैं कमरे के अंदर छिप गया था और बाहर से वो आवाज़ें आती गई। एक आवाज़ जो मेरे घर के ऊपर गिरे हुए उस गोले की थी, उसने पूरे घर को हिला दिया था। छत फट गई थी और नीचे बहुत सारी लकड़ियां बिखर गई थी। वहां नीचे मेरे बेड पर भी आग का एक छोटा सा हिस्सा पड़ा हुआ था, जिस कारण मेरे बेड पर आग बढ़ने लगी थी। मैं जल्दी से बाथरूम गया, एक बाल्टी पानी भरी और जल्दी से बेड पर फेंक दी। उसके बाद मेरे बेड की वो आग बुझ पाई थी, लेकिन छत पर अब भी आग लगी हुई थी, जिस कारण वो लकड़ी से बना हुआ घर धीरे धीरे धू धू कर जलना शुरू हो गया था। मैं अब अपने घर के अंदर छिप नहीं सकता था, मुझे बाहर आना ही पड़ा। जब मैं सड़क पर आया तो बाहर मैंने कई लोग देखे। हर कोई जैसे बिल्कुल डरा नहीं हुआ था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इस आग में झुलसकर मैं मर सकता था, इसलिए मेरी आंखों में डर था। लेकिन वहाँ सब लोग जैसे इधर उधर भाग रहे थे, सामान को इकट्ठा किए जा रहे थे। मुझे नहीं पता वो लोग क्या करने वाले थे, लेकिन वो ड्रैगन आग के गोले फेंकते फेंकते शहर की तरफ बढ़ चले थे। वो एस्टोरेटा वहाँ पर आग के गोले फेंक रहे थे और दूर से नजर आ रही थी उन इमारतों पर लगी हुई आग और ऊपर उठता हुआ धुआं। वहाँ गोलियों की आवाज़ें कड़कड़ाती हुए उन बमों की आवाज़ें जैसे गूंज रही थी। लेकिन तभी अचानक शांति हो गई, जैसे बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया हो। तभी धमक की आवाज जैसे जमीन से आने लगी। वो भारी आवाज थी जिस कारण जमीन हिल रही थी। एक पल के लिए लगा था मुझे कि भूकंप आ रहा है। घर भी हिल रहा था, पत्थर हिल रहे थे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। तभी दूर देखा मैंने, विशाल मानव सा दिखा, जिसके सर पर एक आंख थी और बड़े बड़े दांत थे। वो चलता हुआ इसी शहर की तरफ आ रहा था और पैरों तले कुचले जा रहे थे वो बड़े बड़े घर। एक पैर उसने उस चर्च पर रखा था और चर्च को मसल कर रख दिया था। उस बड़े विशाल मानव ने जैसे एक एक करके घरों को तोड़ने का वचन लिया हो। वो जानबूझकर घरों पर ही पैर रख रहा था। लेकिन इतना विशाल मानव कहाँ से आया? और ये मानव की तरह नहीं बल्कि किसी शैतान की तरह था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो बड़ा पीले रंग का शरीर था। उसने एक एक करके अब नीचे खड़े उन इंसानों को पकड़ने की कोशिश की। नीचे लोग डरकर भाग नहीं रहे थे, जैसे उससे बस छलांग लगा लगा कर बच रहे थे। यहाँ के लोग पागल हैं क्या? उन्हें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। शायद यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है जो इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इतना विशाल मानव हमारी दुनिया का नहीं है, किसी और दुनिया से जैसे यहाँ पर शैतान आ रहे थे। एक एक करके वो पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोग बचते जा रहे थे। नहीं बच पाई वो छोटी सी लड़की, शायद 7 से 8 साल की होगी। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे शैतान ने हाथ में जकड़ लिया। उसे जोर से दबाया। मैंने सर फटता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा था, छोटी सी बच्ची का सर फट गया था। उसने उसके शरीर के साथ भी बहुत बुरा किया, उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, जैसे हम कागज को फाड़ते हैं, वो हाथ से जैसे बार बार उसके शरीर के हिस्से को काटे जा रहा था। छोटे छोटे हिस्सों को इधर उधर फेंक दिया और खून उसके हाथ पर लगा हुआ था। लेकिन नीचे खड़ी उसकी माँ जैसे रो नहीं रही थी, वो बस उस शैतान से बच रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी उसके। अब उस शैतान की नज़र मुझ पर भी पड़ी थी। मैंने तो भागना शुरू कर दिया। उससे बचने का एक ही रास्ता था। वो भारी कदम रखता तो ज़रूर था, कचूमर निकालता तो ज़रूर था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। हम भाग कर उससे दूर निकल सकते थे। लोग भाग नहीं रहे थे बल्कि उसके करीब जा रहे थे। मैं तो भागना चाहता था। वहाँ एक आदमी को देखा मैंने, अपने घर से रॉकेट लॉन्चर लेकर आया था। उसने उस रॉकेट लॉन्चर को चलाकर
उस बड़े से शैतान के सर को जैसे उड़ा दिया था, लेकिन उसका धड़ तड़प नहीं रहा था। अब भी पैरों से कुचलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे शायद अब दिख नहीं रहा था। बार बार इधर उधर पैर रखे जा रहा था, वो धड़ नीचे गिरा और लोगों ने तेज धार हथियार से उस मांस के टुकड़े को जैसे काटना शुरू कर दिया। यहाँ हो क्या रहा था? लोग भी दरिंदों की तरह जैसे काटने पर उतारू थे। मैं तो खून देखकर घबरा जाता हूँ, लेकिन अब तो खुद को भी बचाना है। अगर मैं बेहोश हो गया तो मारा जाऊँगा। यहाँ से दूर भागना चाहता था मैं ऑस्टोरेटा की तरफ भागना चाहता था। तभी मैंने इधर उधर से आते और बड़े बड़े शैतान देखे। जिसे अभी मार गिराया गया था वो तो सिर्फ एक था, कुल 5 मुझे इधर उधर तबाही मचाते भी दिख रहे थे। मैं डर सा गया था, किधर भागूं? सामने वाली उस सड़क की तरफ कोई शैतान नहीं था, मैंने उधर ही भागना शुरू कर दिया। तभी मैंने गाड़ियां देखी। वहाँ लोगों ने बड़ी बड़ी बंदूकें पकड़ रखी थी, रॉकेट लॉन्चर ले रखे थे और उन शैतानों को मारे जा रहे थे और हंसे जा रहे थे। यहाँ के लोग पागल हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या ये जादूगरों की दुनिया है? क्या जादूगरों ने ऐसे शैतानों को बनाया था जो अब बाहर निकल आए हैं? क्या ये दुनिया को तबाह तो नहीं कर देंगे? मैं बस यहाँ से भागना चाहता था। सामने मुझे साइकिल दिखी। मुझे कुछ किलोमीटर आगे जाना होगा और चलकर मैं नहीं जा सकता, साइकिल से बड़ी तेज़ी से भाग सकता हूँ इन शैतानों से। मैंने उस साइकिल को उठा लिया। साइकिल को चलाने लगा था मैं और ऑस्टोरेटा की तरफ जा रहा था। मेरी रफ्तार तेज़ होती जा रही थी। इतनी तेज़ साइकिल मैंने कभी नहीं चलाई, लेकिन अगर आपको मौत का डर हो तो साइकिल बहुत तेज़ चलती है। मैं अब उस जंगल के बीच से निकल रहा था और वहाँ मुझे बड़ी बड़ी मकड़ियाँ नज़र आईं। उनकी लाल लाल आंखें थीं जिनसे रोशनी निकल रही थी। ज़मीन पर पड़े मैंने कुछ लोग देखे जो उन मकड़ियों ने शिकार बना रखे थे। वहाँ मकड़ियों के जाले में लटके हुए कुछ लोग देखे, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी देखे। एक तो जैसे 2-3 महीने का बच्चा था जो उस जाले पर लटका हुआ था और हिल नहीं रहा था। उस मकड़ी ने शायद मार दिया था। यहाँ पर शैतानों की जैसे बारिश हो रही थी। उसके बाद मैं शहर के बहुत करीब आया और सामने गिरी हुई उन लाशों को भी देख पा रहा था मैं। तभी मुझे रेटा में रहने वाला वो आदमी दिखा जो यहाँ पर शायद आया हुआ था, और वो बिल्कुल घबराया नहीं हुआ था, ना उन मकड़ियों से और ना ही वहाँ आगे सर कटे उन इंसानों से जो छोटे कद के तो थे लेकिन हाथ में लंबी लंबी तलवारें लिए लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी मेरी तरफ देख कर कह रहा था, यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हो? शहर में ही रहो ना, यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम से चीख पड़ा था, मुझे यहाँ से दूर जाना है, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे ये शब्द सुनकर वो काफ़ी हैरानी से मेरी तरफ देखे जा रहा था। तुम सच में सब जानते हो ना? मैंने कहा, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, क्या हो रहा है यहाँ, कैसे बच सकता हूँ? मैं जब ये कह रहा था वो मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, दुनिया तबाह होने वाली है, अब बच के दिखा। वो हंसता गया, वो मुझ पर हंस रहा था। आसपास मरते हुए लोगों को देख मेरा कलेजा पसीज रहा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान एक शैतान की मुस्कान लग रही थी। वो तो जैसे खुद लोगों को मरता हुआ देखना चाहता था। मैं ऑस्टोरेटा से भी बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। मैं उन इमारतों के पास गया था और वहाँ पर शैतान जैसे उन इमारतों पर लटके हुए थे, 4-4 बाजुओं वाले वो शैतान। उनके सर भी 3-3 थे और बड़े बड़े दांत से वो खिड़कियों को फाड़ रहे थे, इंसानों को कमरों से निकाल रहे थे और बाहर नीचे ज़मीन पर फेंक रहे थे। चारों तरफ पुलिस वाले जैसे बंदूकों से उन पर गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ अजीब अजीब से शैतान थे, वहाँ जॉम्बीज जैसे इंसान भी पड़े हुए थे हर तरफ। मैंने ध्यान देना शुरू किया, ये जॉम्बीज नहीं है। मरने के बाद लोग इस तरह जैसे जॉम्बीज बन रहे थे। उन्होंने जिन जिन लोगों को मारा था, ज़मीन पर पड़ी वो लाशें कुछ समय ऐसे ही पड़ी रहीं, बाद में जॉम्बीज बनकर उठकर अब और इंसानों को मारने की कोशिश कर रही थी। कुछ की टांगें नहीं थी, कुछ की बाजुएं नहीं थी। घिसटते घिसटते वो आगे बढ़ रहे थे और लोगों का शिकार कर रहे थे। वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ उन शैतानों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन शैतानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। आसमान से जलते हुए आग के गोले गिरने लगे थे, जिनमें से निकलने लगे थे जलते हुए इंसान से। वो अजीब से जीव थे जो जिसे भी छूते वो चीज़ जलने लगती। लोग मरने लगे थे,
वहां जिसे भी वो आग के गोले छूते वो खत्म हो जाते, राख बन जाते। दीवारों को भी वो जलाए जा रहे थे और मैं बस भागे जा रहा था, छिपे जा रहा था। बार बार वो शैतान मेरा भी पीछा करते और मैं उनसे भागने लगता, बचने लगता। हर जगह लोग ऐसा ही कर रहे थे और वो ज़ॉम्बीज सबसे खतरनाक मुझे वो लग रहे थे। इंसानों के मरने के बाद ज़ॉम्बीज बन रहे थे, वैसे नहीं जैसे हम मूवीज में देखते हैं, लेकिन वो तो खुद को जैसे काट भी पा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ को काट दिया था जब मैं एक बंद से दरवाजे के पीछे था। सामने जंगला लगा हुआ था, वहां पर निकलने का रास्ता नहीं था, बस छोटे छोटे छेद थे। एक ने अपनी बाजू को ही खींचकर तोड़ दिया और उस बाजू को उस छेद में से अंदर फेंक दिया। चलता हुआ हाथ देखा मैंने, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरा गला घोंटने की पूरी कोशिश की, वो दमदार था, गले में दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन किसी तरह से मैंने हाथ को पीछे खींच दिया। वो हाथ तो दबाव बना पा रहा था लेकिन बाजू में दम नहीं था, क्योंकि वो शरीर से जुड़ी नहीं हुई थी। मैंने उसे पकड़ लिया, अब वो हाथ सिर्फ हिल पा रहा था और मैंने उस खिड़की को खोला और उसे बाहर फेंक दिया। अब मैं पीछे वाले रास्ते से बाहर भाग निकला था, यहाँ से दूर निकलना होगा, इन शैतानों से दूर। कुछ हुआ है रैटा शहर में जिस कारण यहाँ तबाही मच गई है, मुझे इस शहर से भी दूर जाना होगा। सामने से आती हुई एक गाड़ी देखी और ज़मीन पर पड़ी हुई वो गन देखी मैंने। मेरे अंदर का शैतान जैसे जाग गया था। मैं इस तरह बुरे काम नहीं करता, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता था। मैंने वो गन उस गाड़ी वाले को दिखाई, लेकिन वो गाड़ी रोक ही नहीं रहा था। मैंने गोलियां चला दी थी और वो गाड़ी एक तरफ दीवार से टकरा गई। वहां भागकर मैंने उस लाश को बाहर फेंका और उस गाड़ी को चलाने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कैसा शैतान बन गया हूँ, खुद को बचाने के लिए लोगों को मारना पड़ रहा है। ये बोलता बोलता मैं गाड़ी चला रहा था, शहर से दूर जाना चाहता था। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार में भगा ली थी और मैं शहर से अब बाहर निकलने लगा था। सूरज की रोशनी अब पड़ने लगी थी क्योंकि दिन हो चुका था। तभी आसमान में उड़ते हुए उन पंछियों पर नजर पड़ी। मैं गाड़ी काफ़ी तेज चला रहा था, वो मुझे पंछी ही नजर आए थे, लेकिन जैसे गाड़ी को देखकर वो गाड़ी के करीब आने लगे और तब मुझे वो बड़े बड़े चमगादड़ों की तरह लगे। वो और नज़दीक आते गए और तब मुझे असली पता चला, वो 15 से 20 फुट के बड़े बड़े चमगादड़ थे जो मेरी गाड़ी को जैसे पकड़ना चाहते थे। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगाई हुई थी, लेकिन उनके उड़ने की रफ्तार भी बहुत तेज थी। वो गाड़ी को बार बार अपने पंजों से जकड़ लेते और जैसे ज़मीन से उठाने की कोशिश करते। यह गाड़ी भारी थी इसीलिए बच पा रही थी, लेकिन उन्होंने खींच खींच कर छत को जैसे फाड़ दिया था। इसके बाद वो खुली गाड़ी को लेकर मैं आगे जा रहा था, भीड़ से दूर निकल आया था। इन वादियों में उस गाड़ी को मैं अगले शहर तक पहुंचाना चाहता था, यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। इस शहर में है जो है, ये मेरे मन का भ्रम था। 6 घंटे गाड़ी चलाई थी मैंने। जब मैं उस बड़े शहर में पहुंचा था, सबसे पहले एयरपोर्ट आता है और बड़े बड़े प्लेन में आग लगी हुई थी, लोगों की लाशें पड़ी थी, उनके शरीर के हिस्से हुए पड़े थे, ढेर सारे ज़ॉम्बीज उन लाशों से ज़ॉम्बीज बन रहे थे। यहाँ और भी अजीब अजीब जानवर देखे मैंने। 20 फुट का भेड़िया देखा मैंने जिसका सर आधा कटा हुआ था, आधा मुंह खुल पा रहा था, आधा नहीं खुल पा रहा था, और वो यहाँ पर लाशें बिछाए जा रहा था। एयरपोर्ट के अंदर से धुआं ही धुआं निकल रहा था। शैतानों ने यहाँ पर भी कहर बरपाया हुआ था, किसी प्लेन को नहीं छोड़ा, दूर से दिख रहा था मुझे। वहाँ एयरपोर्ट को भी जैसे आग से उड़ाया हुआ था, वहाँ जैसे बड़े बड़े बमों के धमाके हो रहे थे और ये धमाकों की आवाज़ें शहर से आ रही थी। शहर में मैंने मिलिट्री वालों को देखा, वो वहाँ पर गोलियाँ चलाने की कोशिश कर रहे थे, तोप के गोले चल रहे थे, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में मिलिट्री नहीं है, मैंने ये सुना था। वो शायद खुफिया एजेंसी के लोग होंगे जो मिलिट्री की ड्रेस में यहाँ पर आए हुए थे और उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ मैंने फाइटर जेट भी देखे, वो भी जैसे बार बार उन बड़े बड़े बिल्डिंगों पर बम गिरा रहे थे। उनमें शायद शैतान थे जो उन खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। कुछ के शरीर से जैसे लाल रंग की रोशनी निकलती, वो रोशनी जिस तरफ निकलती वो चीज़ कट जाती। वहाँ कटे हुए इंसान पड़े थे जिसे उस रोशनी ने काट डाला था और मैं उनसे भी दूर जाना चाहता था। किसी सड़क पर मैं पहुँच जाऊँ जहाँ मेरे पीछे कोई ना पड़ा हो,
कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां मैं छिप जाऊं और जिंदा बच जाऊं। मैं गाड़ी लेकर इस शहर से भी दूर भागना चाहता था, लेकिन टूटी हुई सड़कें देखी मैंने, जमीन से निकलते हुए अजीब किस्म के शैतान देखे जो पत्थर के बने हुए थे। जमीन फट रही थी, जमीन के नीचे से ज्वालामुखी निकलने लगा था। ये सड़कें फटने लगी थी और ज्वालामुखी से पत्थर के वो जीव जैसे बाहर निकल रहे थे और गाड़ी का पीछा कर रहे थे। वो पेड़ों को भी काट रहे थे, वो जानवरों को भी मार रहे थे और बीच बीच में जो बचे हुए इंसान थे, शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी मारे जा रहे थे। बड़े बड़े हाथ थे, उन हाथों से जैसे मसल कर लोगों को ज़मीन में मार कर रख देते। वहाँ से मैं दूर भागना चाहता था। अब गाड़ी का पेट्रोल भी कम हो गया था। मैं जानता था इनसे ज़्यादा दूर नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन मैं इतनी दूरी बनाना चाहता था कि छिप कर ही बच जाऊँ। उनसे बहुत तेज़ गाड़ी चलाकर मैं दूर निकल आया था, लेकिन वो भागते हुए अब भी सड़क पर पीछा कर रहे थे। मैंने वो गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली ताकि उन्हें पता ना लगे। जंगल में मैं घुस रहा था और तभी मेरा ध्यान पड़ा आसमान पर। यहाँ बादल घिर चले थे और उन बादलों से जैसे कुछ निकल रहा था। जैसे ही वो नीचे आए, मैंने देखा वो शैतान थे जिनके शरीर के नीचे का हिस्सा नहीं था, ऊपर का धड़ था। वो काले चोले में थे और अंदर जैसे खोपड़ी सी। वो यहाँ नीचे उतर आए थे। आसमान से बारिश हो रही थी जैसे भूतों की। वो एक एक करके ज़मीन पर आ रहे थे और ज़मीन से चिपक रहे थे। उनके धड़ का हिस्सा ज़मीन बन रही थी और ज़मीन से चिपके वो गाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पकड़ मजबूत थी, वो बार बार जैसे गाड़ी के अंदर अपने हाथों को पहुंचा पाते। वो इस स्टील की गाड़ी को भी फाड़े जा रहे थे, इसके हिस्से हो चले थे। बार बार कुछ ना कुछ गाड़ी से टकराता। वो बार बार जैसे जंगल के अंदर गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे और जहाँ पर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी को फंसा सा लिया। वैसे भी जंगल में टूटे फूटे रास्तों में गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। मैं वहाँ से भी बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। उन शैतानों ने गाड़ी को पकड़ लिया था और मुँह से वो गाड़ी को खा रहे थे। मैंने रबर को खाते हुए देखा, लोहे को खाते हुए देखा। वो इस लोहे को चबा रहे थे, उनका शरीर जैसे इतना मजबूत था, वो लोहे को चबा रहे थे, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। यहाँ से बाहर निकलने का दूर दूर तक रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने छलांग लगा दी पास के पेड़ की तरफ। तभी वो पेड़ को काटने लगे। उनके मुंह इतने मजबूत थे, उनके हाथ इतने मजबूत थे, वो पेड़ों को भी काट पा रहे थे। लेकिन मैं छलांग लगाकर आगे ज़मीन पर पहुंच गया, जहां से मैंने भागना शुरू कर दिया। मेरा छोटा शरीर था, गाड़ी को वो पकड़ पा रहे थे। आसमान से बूंदों की तरह बरसे वो भूत जगह जगह थे और उनसे बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जहां पर वो जंगल घना हो गया, वो भूत ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाए थे, ऊपर पेड़ों पर चिपके हुए थे। वहां से वो मुझे नहीं पकड़ सकते थे, वो हिल नहीं पा रहे थे। अब मन को लगा इनसे दूर निकल पाऊंगा, लेकिन कहाँ? क्या यहाँ पर हर बार ऐसा ही होता है? शैतान आते हैं यहाँ पर, लोगों को मारते हैं, लेकिन कभी मैंने न्यूज़ में ये नहीं देखा था और इसीलिए मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थीं। जैसे ही उस घने जंगल में गया, मैं पेड़ों से निकलती चुड़ैलें दिखी मुझे। अब मुझे ये पता लग गया था कि मैं ज़्यादा देर बच नहीं पाऊँगा। मौत तो मुझे अपने आगोश में ले ही लेगी। पूरा दिन बिता दिया था और अब अंधेरा होने लगा था। यहाँ जैसे जैसे अंधेरा होता गया, मैंने देखा वो पेड़ भी ज़मीन से निकलने लगे थे, वो आकार लेने लगे थे और ये जंगल में बस पेड़ ही तो थे। पेड़ों ने भी शैतानी रूप ले लिया था, उनके भी चेहरे उभर चुके थे। वो भी मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे और उनसे बचने की कोशिश मैं करता गया। मैं उन वादियों की तरफ भाग गया था, वो पत्थरों की वादियाँ थीं, वहाँ एक भी पेड़ नहीं होगा। वहाँ दूर मुझे वो पत्थर वाले शैतान ढूंढते हुए नजर आ रहे थे, ऊपर से आसमान में उड़ते हुए बड़े बड़े चमगादड़, वो प्रेतों की बारिश, आसपास जैसे बड़े बड़े मानव, हर जगह शैतान ही शैतान भरे पड़े थे, शायद मेरा शिकार करना चाहते थे। वो ठंडी नदी में मैं छलांग लगाना तो चाहता था, लेकिन वहाँ भी मैं बच नहीं पाता तो नदी के साथ साथ भागने लगा। अब मैं आगे नहीं जा सकता था, नदी के साथ साथ ही भागना पड़ता।
और वहाँ शैतान मेरा पीछा कर रहे थे। बस उनके भागने की रफ्तार ही कम थी, यही बचने का रास्ता था। लेकिन कब तक? सांस तो मेरी भी फूल रही थी। उसके बाद मेरी सांस फूलती गई। मैं बहुत समय बचता रहा, पत्थरों के नीचे छिपकर बचता रहा, तो कभी नदी की एक तरफ छिपकर बचता रहा। एक बार तो नदी में छिपा था मैं, लेकिन धारा बहुत तेज थी, मुझे बहाने वाली थी, तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ा। इसी तरह 2 घंटे तक बच पाया था और अंधेरा घिर चुका था। चारों तरफ से आवाजें ही आवाजें, पेड़ भी जिंदा हो गए थे, बादलों से बारिश हो रही थी, पत्थर भी आकार ले रहे थे, पत्थर मानव बन रहे थे, जमीन में दरारें आ गई थी और जगह जगह मुझे नजर आता ज्वालामुखी जो जमीन से निकल रहा था। उन बड़ी दरारों में मैं गिरता तो ज्वालामुखी में भस्म हो जाता। मैं जिंदा रहने की हर कोशिश कर रहा था, तभी मैंने आसमान में निकलती हुई वो परियां सी देखी। वो काले बादलों को चीरती हुई वो परियां सी थी जो सफ़ेद रंग की चमक रही थी। उनसे रोशनी निकल रही थी जो आसमान को जगमगा रही थी। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी, उनके पर तक देखे थे मैंने। वो चेहरे में देख नहीं पाया था क्योंकि वो अभी बहुत दूर थे, लेकिन यहाँ अचानक एक हादसा सा हो चला था। उन्हें ऊपर देखता देखता मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां आगे दरार थी और ज्वालामुखी, एक तरफ नदी थी और पीछे वो शैतान, उन्हें मुझे घेर लिया था। अब मैं कहीं जा नहीं सकता था, मैं बच नहीं सकता था। बस मैं वहां खड़ा इंतज़ार करता रहा, कोई तो बचाएगा मुझे। एक छलांग उन्होंने लगाई मुझ पर, वो सब शैतान एक साथ टूट पड़े थे मुझ पर, और उनको अपने साथ पकड़े मैंने। उसी दरार में छलांग लगा दी थी, मेरा पैर ही फिसला था। जैसे उनके साथ मैं उस दरार में और ज्वालामुखी में गिरने से पहले आंखें मैंने बंद कर ली थी, मुझे दर्द होने वाला था, और अचानक जैसे उसमें मैं गिरा एक झटका सा महसूस हुआ, दर्द महसूस नहीं हुआ। एकदम से मेरी आंख खुली और मैं हांफता रह गया। मैं हांफ रहा था, मैं अपने उस बेड पर लेटा हुआ था। अचानक इधर उधर झांकने लगा, मैंने लाइट जलाई, मैं उसी कमरे में था, रेटा के उसी कमरे में जहां पर मुझे रहने के लिए दिया गया था। उसके बाद मैंने घड़ी देखी, 4 बजे हुए थे। मैंने तारीख देखने की कोशिश की, ये वही तारीख थी जब लाइट गई थी, 4 बजे, और अभी तो 4 ही बजे हुए हैं, लाइट तो मौजूद है। मैं घर से भागकर बाहर आ गया था, बाहर इधर उधर झांकने लगा था। सब इमारतें, सब घर, वो खंडहर वैसे के वैसे ही थे। मुझे नहीं पता वो सपना था, सपने ऐसे थोड़ी ना होते हैं, सब कुछ असल में हुआ था। मैंने हर जगह बर्बादी देखी थी, सपने तो कुछ पल के होते हैं, ये सच्चाई थी। मैं आगे गली में भागने लगा था, मैं देखने लगा था। मैं पहले घर पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया और एक आदमी बाहर आया। मुझे देखकर वो इस तरह से घबराया हुआ था और उसे देखकर मैं हैरान, यहाँ तो तबाही हुई थी ना, कहाँ हुआ, सब कुछ तो सही है, मुझे लगा ये सच में हुआ है, क्या ये मेरा सपना था, यहाँ तो लोग मारे गए थे, वो ऑस्टरिटा में भी सब मारे गए थे, लेकिन अब जिंदा हो गए, मैं जिंदा कैसे हो गया, मैं तो मरा होना चाहिए ना, क्या मैं जिंदा हूँ। वो घूर रहा था मुझे, तुम क्या बातें कर रहे हो। मैं भी शर्मिंदा सा होने लगा, क्या फिर वो मेरा सपना था। उसने कहा जल्दी अंदर आओ, मुझे उसने घर के अंदर बुलाया और अचानक मेरा कॉलर पकड़ लिया, मेरी गर्दन दबोच ली थी और कहा सच बताओ, कहाँ से आए हो, तुम इस गांव के नहीं हो, तुम इतिहास नहीं जानती, तो इस तरह से कहाँ से आए हो, तुम्हें ये चीज़ें कैसे पता। मैंने कहा क्या मतलब कैसे पता, वो रात के बारे में बताओ, 4 बजे लाइट गई थी, मैं यहाँ पर तबाही देख चुका हूँ। उसने मुझे नीचे खड़ा किया और उसके बाद कहा वो तबाही 24 घंटे की होती है, उसमें जो भी होता है असल में नहीं होता, वो समय पीछे हो जाता है। जब जादूगरों और परियों में युद्ध हुआ था, वो शाप इस जमीन को लग गया था, तब से हर साल ये घटना होती ही है, यहाँ पर इसी तरह 24 घंटे तबाही होती है। तुम जितनी दूर जा सकते हो तुम्हें तबाही दिखेगी, तुम धरती के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हो, वहां तबाही दिखेगी, लेकिन फिर समय बदलता है, तुम इसी समय पहुंच जाती हो,
इसीलिए कहा जाता है 4 बजे लाइट जाएगी, क्योंकि 4 बजे ही ये सब होता है। किसी जमाने में इसे कहा जाता है रोशनी जाने वाली है, हमने मॉडर्न तरीके से इसे कह दिया है लाइट जाने वाली है, और 4 बजे लाइट जाती है। तुम पूछ रहे थे ना आएगी कब, इसीलिए सब घूर रहे थे क्योंकि लाइट जाती तो है, समय में जाती है। तुम 4 बजे में दोबारा पहुंच जाओगे और समझोगे लाइट कभी गई ही नहीं। वो जो घटनाएं हुई थी वो उन परियों के शाप के कारण हुई थी। इसी के साथ वो वरदान भी मिला था कि किसी को दर्द नहीं होगा और समय दोबारा वहीं पर आ जाएगा, इसीलिए कोई डरता नहीं उससे, बल्कि युद्ध करते हैं, शाप को खुद में लेते हैं, उन शैतानों से युद्ध करते हैं। जो मरता है यहीं पहुंच जाता है। तुमने उन परियों को देखा? क्या तुमने उन परियों को देखा? मैंने कहा हाँ, बादलों से निकलती हुई वो परियां बहुत दूर थी, मैं बस इतना ही समय देख पाया। तो उसने कहा खुशकिस्मत हो, परियों को देखना ही बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे, अगर तुम 24वें घंटे में पहुंच गए, परियां तुम्हारे पास आती हैं। वो 1 घंटा उन परियों से बात करने का होता है, वो सब शैतानों को खुद खत्म कर देती हैं। 1 घंटे तुम उनसे सवाल जवाब कर सकते हो, वो सब सवालों का जवाब देती हैं। तुमने उनका डटकर मुकाबला किया, कोई भी 23 घंटे पार नहीं कर पाता, तुम लगता है शायद 18 से 23 घंटे में पहुँच गए थे, सबसे मुश्किल समय होता है, मैं तो कभी कर ही नहीं पाता। लेकिन जो 100 साल बाद दिन आता है, तब 24 घंटे नहीं 24 दिन मिलते हैं। 24 दिन हम शैतानों का मुकाबला करते हैं, जो मरता है बिना दर्द के दोबारा उसी समय में पहुंच जाता है, जो जिंदा रहता है परियों से मिलने के लिए, ज़्यादा समय लेने के लिए वो डट कर लड़ता है। लेकिन तुम कहाँ से आए हो? तुम इस गाँव के नहीं हो, तुम सच्चा इतिहास नहीं जानते, तुम में हमारा खून नहीं। तो मैंने भी घबराहट में कह दिया हाँ, एक म्यूजियम की वो किताब मुझे मिली थी, वो फटी सी किताब, मैं उसे सच मानकर यहाँ पर आ गया, और यहाँ हर कोई डराता गया, मैं बात मानता गया। उस आदमी ने कहा था जिंदा रहना चाहते हो तो इस बात को खुद में ही छिपा लेना, कल सुबह हर किसी से मुस्कुराते हुए बात करना, सामान इकट्ठा करना और निकल लेना, किसी को इस घटना के बारे में मत बताना, कोई यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि और भी शाप हैं जो यहाँ काम कर सकते हैं, इसीलिए इस सच्चाई को हम छिपा कर रखते हैं, किसी अनजान को नहीं बताते, और वो सच्चाइयाँ तुम भी जान नहीं पाओगे, बस इस बात को खुद में ही रखना। जिंदा रहना चाहते हो तो बस मुस्कुराते हुए चले जाना, कहना बहुत मज़ा आया रात को। अगले दिन मैंने वैसा ही किया, मैं वहाँ से बैग उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। जो भी लोग मुझसे मिल रहे थे, हर कोई मुस्कुराते हुए कह रहा था वाह क्या लड़ाई थी। मैंने भी कह दिया हाँ वो युद्ध भयानक था, मैंने बहुत मज़ा किया, मैं तो दूर दूर शहरों में घूमने के लिए चला गया था, उस तबाही को देख रहा था, परियों को देखा मैंने, लेकिन मैं बस अंतिम समय तक पहुंच नहीं पाया, मैं 18 से 23 घंटे में पहुंचा। हर कोई खुश था, मेरी बातें सुन रहा था, लेकिन मेरे जाने का समय था। मैंने बहाना लगा दिया, अगले साल आऊँगा, मुझे और जगह काम है, हम काफ़ी दूर तक बसे हुए हैं। मैं वहाँ से निकला और फ्लाइट लेकर दोबारा मैं वापस आने की तरफ था। मैं 18 घंटों के सफ़र के बाद अपने घर पहुँच ही गया था। यहाँ बैठकर बार बार आंखें मले जा रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था क्या देख लिया है मैंने। इंटरनेट पर ढूंढता रहा, कोई घटना पूरी दुनिया में नहीं हुई। मैंने लगभग 18 से 20 घंटे बिताए थे उस तबाही में, लेकिन समय दोबारा वापस पहुंच गया। मैं और जानकारी जुटाता रहा और रेटा के बारे में और जानकारी नहीं जान पा। इस राज को आज भी मैं खुद में समाये हुए हूँ, और जो भी इस कहानी को सुनेगा मुझ पर यकीन नहीं करेगा, और उस जगह की पूरी लोकेशन भी मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तो ये राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा। और मैं आशा करता हूँ आपको इन घटनाओं को सुनकर मज़ा बहुत आया होगा, तो आप भी कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं, मैं सुनना चाहूँगा।